और मध्य प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश के परिवहन विभाग में गुजरात मॉडल लागू होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि चेक पोस्ट पर अवैध वसूली रोकने के लिए अब डिजिटाइजेशन किया जाएगा, चेक पोस्ट ऑटोमोटिव किए जाएंगे और पूरी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट किया करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद ये पूरी प्रक्रिया लागू होगी। उन्होंने बताया कि चेक पोस्ट को आने वाले समय में ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे चेक पोस्ट को पेपरलेस किया जाएगा। बीच बीच में मुझे लगता है आप सबसे बात करते रहना चाहिए, जिससे चीजें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गुड गवर्नेंस के लिए हम लोग जिस पर काम करते हैं, जो कदम उठाते हैं, प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार जो बेहतर करने की कोशिश करती है या इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होता रहे, हमारे गुड गवर्नेंस के लिए हमारी अप्रोच किस तरह से है, हम क्या करने जा रहे हैं, मुझे लगता है ये आपके साथ अगर बातचीत होती रहती है तो ये लोगों को ही पता चलता है और हमको भी फीडबैक मिलता है। हम लोग लगातार शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं और सीएम राइज जो हमारा एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रधानमंत्री जी ने जो एक टास्क की तरह हमारे डिपार्टमेंट ने उसको लिया है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो और क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो अपेक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी की है वो मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम उसको बेहतर इम्प्लीमेंट करें, जल्दी करें, बच्चों को उसका लाभ मिले, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारी दूसरी मिनिस्ट्री जो परिवहन विभाग है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उसमें भी हम लोग बेहतर सिस्टम